रामानुजगंज के राजा तिवारी ग्राम पंचायत आरागाही में रुद्रा नर्सरी और रुद्रा एग्री जेनेटिक्स के नाम से संचालन कर रहे हैं। करोड़ों के वैरायटी के फल फूल और औषधीय पौधे लगाकर लाखों की कमाई कर रहे हैं, साथ ही दूसरे शहरों में भी सप्लाई कर रहे हैं। ऑफ सीजन में फलने वाले आम की वैरायटी की खेती और बागवानी में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए शासन की योजनाओं का भी लाभ उठाकर खूब कमा रहे हैं। राजा तिवारी ने बताया कि आईटी सेक्टर की नौकरी छोड़कर एग्रीकल्चर के फील्ड में आया और सीजेंटा जैसी कंपनियों में काम किया। वर्ष 2018 में मुझे लगा कि शायद इस क्षेत्र में और काम करना चाहिए, तो अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर इंडो ग्रीन क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी चालू किया। जब मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में विजिट किया तो मैंने देखा कि फार्मर ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं। आज के समय में उसमें स्कोप नहीं है। कृषक बनकर अपनी उन्नति नहीं कर सकते, तो मैंने सभी को कृषि उद्यमी बनाने की कोशिश की और मैंने हॉर्टिकल्चर की दिशा में काम करना शुरू किया। हमारा अगर मैं बलरामपुर की बात करूं तो हमारा बलरामपुर रेनफेड एरिया में काउंट होता है और यहां पे खेती को लेकर बहुत सारी चैलेंज है। 2021 से हम लोगों ने यहां पे फ्रूट फार्मिंग के क्षेत्र में काम स्टार्ट किया है और जिसके लिए केंद्र सरकार की हमें सब्सिडी मिलती है, बाउंड्री के लिए, बोर के लिए, ड्रिप के लिए, प्लांटेशन के लिए, लेबर क्वार्टर, इन सभी में केंद्र सरकार की 50% की सब्सिडी हमारे क्षेत्र को मिलती है। और अगर उपलब्धियों की बात करें तो अब तक हम लोगों ने 50 एकड़ में नींबू, लगभग 15 एकड़ में स्ट्रॉबेरी, 10 एकड़ में अमरूद, 10 एकड़ में आम, ऐसे करके तमाम चीज़ों का यहाँ पे कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ब्लूबेरी, एप्पल, मैंगोस्टीन, एवोकाडो, परसीमन जैसे फल जो कि आज की डेट पे भारत में विदेशों से कहीं ना कहीं आयात किए जा रहे हैं, उनको इस क्लाइमेट में उनका टेस्ट कर रहे हैं ताकि यहाँ के किसानों को एक अच्छा मुनाफा मिल पाए। और इनमें से मैं बताऊँ तो बहुत सारे पौधों का फ्रूटिंग यहाँ पे आ रहा है और बहुत सारी चीज़ों का ट्रायल यहाँ पे सक्सेस हुआ है।